My English folder poem Night, written by Sergey Isnin. Complete explanation in Hindi. Silently sleeps the river. The dark pine hold their peace. The nightingale does not sing or the corncrake screech. Silently, बहुत शांति से जो नदी है वो सो गई है क्योंकि रात हो गई है. The dark pine, जो पाइन के ट्रीज हैं वो अंधेरे में भी एकदम डार्क लग रहे हैं. Hold their peace, वो भी नींद में नींद जैसे हो गए हैं, एकदम शांत हो गए हैं. The nightingale, जो एक बर्ड का नाम है, वो उसने भी अपना गाना बंद कर दिया है क्योंकि रात हो चुकी है. और द कॉर्नक्रेक स्क्रीच, कॉर्नक्रेक भी एक बर्ड का नाम है जो कि अपनी एक स्क्रीच यानी चिल्लाता जैसे है, उसने भी अपना स्क्रीच बंद कर दिया है. द नाइट साइलेंस इन फोल्ड्स ओनली द ब्रूक मर्मर्स. रात, नाइट, ये सब क्यों कर रहा, क्यों हुआ ये सब, क्योंकि रात है. रात ने अपना शांति जो है हर तरफ ओढ़ ली है, हर चीज़ को शांत कर दिया है, हर चीज़ को रात जो है हर जगह सराउंड्स यानी हर जगह फोल्ड हो गई है, इनफोल्ड हो गई है, एनवलप जैसे कवर हो गई है. ओनली द ब्रूक, सिर्फ एक जो छोटा सा झरना है उसके धीरे धीरे मर्मर यानी से समथिंग क्वाइटली और सॉफ्टली, वही धीरे धीरे अपनी आवाज़ कर रहा है, वही धीरे धीरे कुछ बोल रहा है. एंड द ब्रिलियंट मून टर्न्स एवरी थिंग टू सिल्वर. और जो आसमान में चांद चमक रहा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है ब्रिलियंट मून. उसने हर एक को सिल्वर कन्वर्ट कर दिया है, हर जगह अपनी सिल्वर रोशनी को फैला दिया है, हर चीज़ सिल्वरी हो गई है. सिल्वर द रिवर, रिवर सिल्वर हो चुकी है. एंड द रिव्यूलेट्स, जो नदी में छोटी छोटी और भी नदियाँ मिलती है या जो और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती हैं उसको बोलते हैं रिव्यूलेट्स. वो भी आपस में वो भी एकदम सिल्वरी हो गए हैं. सिल्वर द ग्रास, हर जगह जो घास है वो सिल्वरी हो चुकी है. ऑफ द फर्टाइल स्टेप्स, और जो फर्टाइल स्टेप्स हैं जो ग्रास जो है हर जगह एक एरिया है जहाँ हर एक एरिया है जहाँ पे घास है पर ट्रीज उगे हुए नहीं है, ऐसी जगह पे को बोला जाता है स्टेप्स. वो जो फर्टाइल स्टेप्स हैं वो भी सिल्वरी हो चुके हैं. नाइट साइलेंस इन फोल्ड, रात है ये, साइलेंस हर जगह पसरा हुआ है, हर जगह फैला हुआ है. ऑल स्लीप्स इन नेचर, नेचर में जो सब कुछ है वो सब सो चुका है. एंड द ब्रिलियंट मून टर्न्स एवरीथिंग टू सिल्वर, और जो चमकता चांद है आसमान में उसने इस अंधेरी रात में हर चीज़ को सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया है. दिस पोएम इज रिटन बाय सर्गेय एस्निन. ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रशियन पोएट ऑफ द 20th century के एक रशियन पोएट हैं. जब वो 9 साल के थे तब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. हिज पोएट्री वॉज इंस्पायर्ड बाय द रशियन फोकलोर, में जो रशियन पुराने जो साहित्यिक गाने होते हैं उसमें भी उसको इंस्पायर किया हुआ है, उससे उनके जैसे हैं. द ग्रेट रशियन पोएट जो थे उन्होंने उसको सिखाया था कि किस तरीके से लिरिक पोएट्री लिखो. ही रोट हिज लास्ट पोएम गुड बाय माई फ्रेंड गुड बॉय गुड बाय. और वो जो उन्होंने पोएम लिखी थी अपने ब्लड से लिखी थी क्योंकि उस वक्त उनके पास इंक नहीं थी उस रूम में लिखने के लिए. इस तरीके के वो एक डेडिकेटेड पोएट थे.